सब्सक्राइब करें ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। पुटी जिला के तोरपा प्रखंड अंतर्गत अम्मा एवं उड़ी केल समेत कई गांवों में कृषक मित्र के द्वारा गांव के भोले भाले किसानों से खेत जुताई के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। क्या है इसकी सच्चाई, इसे समझने और जानने के लिए ट्रैवल इंडिया टीवी के सीनियर रिपोर्टर मनोज सिंह ने इलाके के भुक्तभोगी किसानों से बात की, साथ ही जिन पर आरोप लगा उस कृषक मित्र का पक्ष भी लिया एवं इस मामले में खूंटी जिला प्रशासन के SDM हेमंत सती से भी बात की। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं इस समय खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत अम्बा पंचायत में हूँ। यहाँ के सैकड़ों ग्रामीणों का यह आरोप है कि कृषक मित्र रामानंद साहू के द्वारा यहाँ किसानों के खाते से जुताई के नाम पर 2000 रुपये से लेकर 10000 रुपये की राशि जमा कराई जाती है और उन्हें बकायदा बैंक ले जाकर अंगूठा और हस्ताक्षर करा के उन्हें दोबारा रामानंद साहू जो कृषक मित्र हैं वे अपने नाम पैसे वापस ले लेते हैं। सर, कृषि मित्र यहाँ जो हमारे झारखंड प्रदेश में जो किसान का सहयोग के लिए चाहे जो जुताई के नाम पर कृषि मित्र के माध्यम से जो आता है पैसा, कि कहाँ से आता है उसको तो हमको मालूम नहीं है, पर जुताई के नाम से आता है, जुताई के नाम से पैसा आता है किसान के खाते में, उसको ठेपा के माध्यम से उसको निकलवा लेते हैं। कितना पैसा आता है? किसी का में 2500, किसी का में 3000, किसी का में 5000, मेरा तो 4800 आया था। कितना आदमी यहाँ पर टोटल ऐसा है जिसके साथ ऐसा हुआ है? अब 25-30 आदमी। कृषि मित्र रामानंद साहू पंचायत अम्मा ग्राम अम्मा का निवासी है। वो कृषि मित्र होने के बाद विभाग के द्वारा किसानों के खाता में हल जोताई के नाम पर जो भी पैसा आता है, 4800 हो चाहे 3600 हो चाहे 5400 हो चाहे 10000 रुपया तक आता है पति पत्नी के नाम से, वो पैसा खाना पूर्ति करने का जुताई करने के बाद वो किसानों का खाता से निकालने के लिए बोला जाता है। हेपा नहीं होता है तो उसको खुद अपना मोटरसाइकिल में ले जाकर तोरपा पैसा निकलवा लेता है, पैसा निकालने को कहता है। माने रामानंद हम लोग का खेत जमीन जोतता है, आधा घंटा जोतता है, एक घंटा जोतता है और हम लोग का अकाउंट में 2100, 2200, 3000, 3600 ऐसा आता है हम लोग के अकाउंट में, वो पैसा को सब ले लेता है। चाय पानी के नाम पे किसानों को, संबंधित किसानों को महज 50 से 100 रुपया दिया जाता है और वो पैसा को हम लोग को निकालने के लिए ले जाता है बैंक और ठेपा करके निकल जाता है पैसा। खाली हम लोग आँख से देखते हैं और सब पैसा को अपने हाथ में ले लेता है। आप लोगों को पैसा मिलता है? नहीं मिलता है पैसा। चाय पीने के लिए 50 रुपया 100 रुपया देता है मंगने से। चाय पानी के लिए किसी को 50 रुपया, किसी को 100 रुपया दे के भेज देता है। आप लोग कंप्लेन किए थे इस बात को लेके? हम लोग कंप्लेन तो पहले नहीं किए थे, हाल में ही पिछले साल पैसा भेजा था, उस समय तो नहीं किए। हम लोग किस लिए आता है कैसे आता है वो नहीं पता था तो नहीं किए। फिर इन साल दोबारा आया पैसा तो वैसा ही किया, तो हम लोग कंप्लेन किए। तमाम समस्याओं को लेकर खूंटी के तोरपा प्रखंड के सैकड़ों किसानों ने जिला प्रशासन खूंटी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव को भी इस संबंध में ज्ञापन देने की बात सामने आ रही है। खूंटी उपायुक्त के समक्ष भी ये बात सामने आई है और जिला प्रशासन के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि इस संबंध में व्यापक जाँच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार की शिकायत आज कार्यालय के माध्यम से मुझे मिली है, ग्रामीण किसान बंधु जिसमें लगभग 40 किसानों का हस्ताक्षर है। 40 किसानों ने इसी बात को उल्लेखित किया है कि कृषि मित्र के द्वारा राशि का जो भुगतान है उनको नहीं किया जा रहा है और जितने भी सरकार से जो प्राप्त उनको लाभ है वो लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में जांच पड़ताल करवाई जाएगी और जांच पड़ताल करवाने के उपरांत जो दोषी हैं उनके ऊपर सम्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये वही कृषक मित्र हैं जिन्हें पूर्व की सरकार में इजराइल और अलग अलग जगहों पे भेजी गई थी ताकि कृषि के संबंध में व्यापक प्रशिक्षण लेकर ये
खूंटी समेत विभिन्न पूरे झारखंड राज्य में कहा जा सकता है कि कृषि संबंधित ये व्यापक जानकारी देंगे, उम्दा फसल होगी और किसानों की आय दोगुनी होगी। इस पूरे प्रखंड से प्रथम किसान कृषक मित्र हैं इसराइल जाने वाले, क्या कुछ आप वहाँ से सीखे और क्या चीज़ अभी क्षेत्र में बता रहे हैं? हम लोगों को वहाँ पर मतलब नया खेती, मतलब नए वैज्ञानिक तरीका से खेती करने के बारे में बताया गया, जिसमें कम पानी में ज़्यादा खेती हो और वही सब हम लोग सीख के आए और किसान को भी बता रहे हैं। केल और पकना पंचायत के बहुत सारे ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, खाता में जुताई के नाम पर पैसा निकाला गया और डलवाया गया। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। इसमें डबल क्रॉपिंग के नाम पर किसान के अकाउंट में पैसा आता है और किसान जितना जोताता है उसका प्रति घंटा के हिसाब से पैसा देता है, लेकिन किसान ही ये आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे। वो किसान को भड़का के बुलवाने से कोई फायदा नहीं है। मेरे पास जो किसान जितना जोतवाया है उतना पैसा दिया है उसका। 5400 प्रति घंटा के दर से? जी नहीं, गलत है। शिकायत भी किया है ग्रामीण के? देखिए, शिकायत करने वाला बहुत है, इसमें शिकायत करने से हो जाएगा सो बात नहीं है। किसान कृषि विभाग के लोग भी आके देखे हैं कि कितना खेत जोताया है और किस में कितना फसल लगा है, उसी के हिसाब से पैसा हमको लोग जोताई का पैसा देता है, वो एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं देता। जिस तरह के कृषक मित्र के द्वारा जो करतूत करने की बात खूंटी में सामने आ रही है, उस पर जिला प्रशासन खूंटी के द्वारा भी कार्रवाई करने की बात आ रही है। खूंटी के SDO हेमंत सती के द्वारा कहा गया है कि इस पर त्वरित जाँच करते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी। खूंटी से मनोज सिंह, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।